हेलो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में प्लेन बनाया था। उसमें आपको मैंने डायमेंशन दिए थे, लेकिन अगर आप खुद का प्लेन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये हमारे प्लेन का विंग है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई को विंग स्पैन कहते हैं और इसे कॉर्ड लेंथ कहते हैं। हमारा कैलकुलेशन कॉर्ड लेंथ से ही शुरू होता है। जनरली कॉर्ड लेंथ के 5 to 6 टाइम्स विंग स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 10 इंच कॉर्ड ले लेते हैं तो हमारा विंग स्पैन आएगा 10 × 6, 60 इंच। तो हमारा विंग एरिया जो है वो 10 × 60 = 600 स्क्वायर इंचेस, इतना हमारा विंग एरिया है। अब हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो है पीछे के बाजू जो लगता है, वो जनरली 20 to 25% ऑफ विंग एरिया रहता है। मतलब 600 का 25% अगर आप लेंगे तो 150 स्क्वायर इंच आता है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर 150 स्क्वायर इंच का होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में एक आपको बात ध्यान में रखनी है, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है 3:1 होना चाहिए। जैसे देखिए, हमारा विंग 60 इंच बाय 10 इंच है, मतलब इसका एस्पेक्ट रेशियो हो गया 1:6। वैसे ही हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का हमें एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना है 3:1। थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चलेगा। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है 150, तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हम 20 इंच बाय 7 इंच ले लेते हैं तो इससे हमें 140 स्क्वायर इंच का सरफेस एरिया मिलेगा। वो इससे 10 इंच कम है, 10 स्क्वायर इंच कम है, लेकिन चलेगा। 7 × 3 = 21, मतलब इसमें एस्पेक्ट रेशियो भी ऑलमोस्ट मेंटेन हो रहा है। नाउ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे एलिवेटर होता है जो अप एंड डाउन मूव होता है। इसका जो सरफेस एरिया है वो 20 to 25% ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होना चाहिए। मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर 140 स्क्वायर इंच है, उसका 25% अगर आप निकालेंगे 150 का, तो 37.5 स्क्वायर इंच आता है। मतलब हमारा एलिवेटर होगा 20 इंच बाय 2 इंच, यानी 40 स्क्वायर इंच का, क्लोज टू 37.5 इंच। नेक्स्ट पार्ट है वर्टिकल स्टेबलाइजर। वर्टिकल स्टेबलाइजर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के बीच में इस पोजीशन में होता है। उसका सरफेस एरिया जो है वो 10% ऑफ विंग एरिया होना चाहिए। ये जो टोटल विंग है उसका 10% होना चाहिए। हमारा विंग एरिया 600 स्क्वायर इंच है, उसका 10% 60 स्क्वायर इंच आया। 60 स्क्वायर इंच मतलब हमारा ऑलरेडी ये जो पार्ट है 7 इंच हमने लिया है। तो वर्टिकल स्टेबलाइजर 7 × हाइट अभी हमें डिसाइड करनी है। अगर हम 10 इंच ले लेते हैं तो वो 70 स्क्वायर इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 इंच ले लेंगे। 9 × 7 = 63 स्क्वायर इंच, मतलब क्लोज टू हमारा 60 स्क्वायर इंच पे के नज़दीक आ रहा है। इस वर्टिकल स्टेबलाइजर पे राइट लेफ्ट मूव होने वाला सरफेस होता है जिसे रडर कहते हैं। रडर का एरिया जनरली 25% ऑफ द वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है। मतलब हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर 60 स्क्वायर इंच है, उसका 25% अगर आप निकालेंगे तो 15 स्क्वायर इंच आया। मतलब हमारी हाइट तो हमने डिसाइड कर ली है यहाँ पर 9 and 7, 9 by 7, तो हाइट 9 इंचेस है, तो हम ये 2 इंचेस ले लेते हैं तो ये आएगा 18 स्क्वायर इंच। 9 × 2 = 18 स्क्वायर इंच हमारा रडर का सरफेस एरिया आएगा, क्लोज टू 15 ये चलेगा। नेक्स्ट इज एलिरॉन। हमारे प्लेन में एलिरॉन नहीं था। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका सरफेस एरिया जो है विंग सरफेस एरिया के हाफ के 10% आएगा। मतलब विंग सरफेस एरिया इज 600 स्क्वायर इंच, उसका हाफ 300 स्क्वायर इंच, उसका 10% इज 30। मतलब हमारा एलिरॉन 15 × 2 = 30 स्क्वायर इंच, मतलब 15 इंच बाय 2 इंच होना चाहिए, तो हमें 30 स्क्वायर इंच का एलिरॉन मिलेगा। एक साइड में और दूसरी साइड में भी सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे फ्यूजलाज लेंथ कहते हैं, और वो विंग स्पैन के 75% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब हमारा विंग स्पैन है 60 इंच, तो उसका 75% 45 इंच हमारा फ्यूजलाज लेंथ होगी। हमारी विंग से आगे यहाँ तक जनरली जितना हमारा कॉर्ड लेंथ है जितनी उतनी, या उससे 1-2 इंच आप लेंगे ज़्यादा तो भी चलेगा, उतना डिस्टेंस होना चाहिए मोटर और इसके बीच में, अगर आप मोटर फ्रंट में माउंट कर रहे हैं तो। मतलब ये मैंने 12 इंच लिया, ये 10 इंच, और 12
10, 45 से माइनस कर दीजिए, उतना यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस आना चाहिए। देखिए ये सब स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी बताया नहीं कि ये फिक्स रूल है, यही फॉलो करना है। जनरली ये अगर आप फॉलो करेंगे रूल्स तो आप सक्सेसफुल प्लेन बना सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो 8 इंचेस कॉर्ड लेंथ लेके ये सब कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट्स में बताइए आपका क्या आता है कैलकुलेशन। दादा खाली।